superb. Excellent acting by Akshay Kumar, no doubt. And the perfect movie for 15th August, Independence Day. The end is superb, goosebumping, and you feel like, you know, full on patriotism. And everybody in the theater was standing for the national anthem, and the superb feeling and the superb start morning of the Independence Day. I don't know his name, but the vice captain of the team is the best, and as usual, Akshay Kumar is leading the whole team. He's the chairman of the team. Superb. Yeah, I can give 4 out of 5. Superb. Thank you. Very nice film. Amazing movie, Akshay Kumar ne bahut. Must watch. Vicky Kaushal and Akshay Kumar. अक्षय कुमार सबसे बेस्ट था उसमें, उसने बहुत अच्छा बंगाली का मस्त रोल किया. मौनी रॉय भी है, कितनी पसंद है मौनी रॉय? हाँ वो भी तो बहुत अच्छे, वो तो पहले से का किरदार बहुत अच्छे से निभाया मौनी रॉय. क्या कुछ रील कर पाई, क्या कुछ फिल्म का आपको याद है जो हमेशा याद रहेगा? बंगाली बाबू. वो बहुत अच्छा, उन्होंने वो बहुत अच्छा ये निभाया है. 15 अगस्त के मौके पर ये बेस्ट एवर फिल्म ऑन 15 अगस्त. बेस्ट एकदम 5 out of 5. बहुत अच्छे, 5 out of 5 stars. दिस मूवी इज अ गिफ्ट ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे. इट्स अ वेरी ग्रेट मूवी, मस्ट वॉच. बहुत अच्छी मूवी है. गूज़बम्प्स एट द एंड ऑफ द मूवी, लिटरली क्राई. मैच्योर रोल अक्षय एज यूजुअल प्ले करता है. बहुत अच्छी मूवी थी और गूज़बम्प्स मतलब आज ही देखना चाहिए. 15th August ये मूवी आज ही देखना चाहिए बेसिकली. या वेरी डिसेंट रोल ऑफ मौनी रॉय. यू विल गेट द फीलिंग ऑफ बीइंग एन इंडियन, अ प्राउड इंडियन. यू विल गेट अ फीलिंग. लास्ट में तो इमोशनल हो गए थे बेसिकली. मतलब गूज़बम्प्स मैं एज यूजुअल बोला हूँ कि गूज़बम्प्स आ गए थे, इमोशनल हो गए थे. और मतलब लास्ट में ये हुआ, नेशनल एंथम प्ले हुआ, तो जो फीलिंग आया 15th अगस्त के दिन पे, ये मूवी परफेक्ट है, देखना चाहिए सबको. अक्षय की रोल जो है बहुत एकदम सॉलिड रोल किया है. बाकी जो प्लेयर्स है और जो एक्टर्स है उन्होंने भी बहुत अच्छे से किया है. आउट ऑफ 5, 4. थैंक यू सो मच. हाँ या बहुत बढ़िया मूवी है. मतलब सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है. सबसे मानो तो अक्षय कुमार ने सुपर जो बंगाली करेक्टर पकड़ा है, क्या कहना है, लाजवाब. उसके साथ अमित है, विनीत है, सुपर मजा आ गया. मौनी रॉय, हाँ ऑब्वियस वो ज़बरदस्त हैं, बंगाली है, मतलब उनका था तो बहुत अच्छा करेक्टर किया उन्होंने. डायरेक्शन, हाँ सबसे पहले स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और उसके ऊपर डायरेक्शन सुपर है. और 15 अगस्त के लिए कहूँ तो इससे मूवी 15 अगस्त के लिए इससे अच्छी मूवी और कोई नहीं हो सकती. बहुत अच्छा मैसेज दे रही है और बीच बीच में ऐसा लगता है कि ये आपके देशभक्ति के नाम पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. तो बहुत बेस्ट फैक्टर क्या था? बेस्ट फैक्टर है कि मतलब वी आर इंडियंस और हम सब भाई, चाहे डिवाइड हो गए उसके बाद भी भाई भाई हैं. चाहे हम जीतना है और मतलब अपने इंडिया को फर्स्ट लाना है, ये बेस्ट मैसेज था उसका. 5 to 5. थैंक यू. मूवी वॉज रियली गुड और अक्षय कुमार ने अगेन जो एक और हिट दी और उसके साथ बाकी के जो एक्टर थे हिम्मत और एक और अमित साढ़, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा. और मूवी सिर्फ हॉकी के लिए नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के जो पार्टीशन था वो पार्टीशन को बहुत सही तरह से बताया. 1940 का और 50 का जो इंडिया था और वहाँ की हॉकी की स्टोरी बहुत सुपर है. और ये बिल्कुल चकदे से एकदम अलग हटकर है एक कोच की तरह ही कहानी है, बट बहुत सुपर है. और वी आर रियली प्राउड टू सी दिस टाइप ऑफ मूवी ऑन दिस डे. मूवी इज अमेजिंग, गो फॉर इट. 5 stars. इट्स अमेजिंग. दैट्स अ अमेजिंग मूवी. 5 stars. हाउ वाज मौनी रॉय, विनीत, अमित? हाँ दे वी आर सुपर. मतलब मौनी रॉय सुपर, उसका डेब्यूट मूवी में था और सुपर. और अमित, आई लव्ड अमित कैरेक्टर एंड द हिम्मत बाय द सरदार बॉय. इसका मूवी में नाम हिम्मत, आई डोंट नो इज रियल नेम, बट वो उसका एटीट्यूड और कैरेक्टर फ्रेमिंग दे वी आर सुपर. और स्टोरी फ्रेमिंग
और जो लास्ट तक जो जिस तरह से मूवी ने पूरा हुक पकड़ के रखा होता है कि आगे क्या होगा क्या होगा टिल लास्ट मोमेंट तक, इट वाज रियली सुपर्ब। क्या फैक्टर था जो आप साथ लेके आ रहे हो? एक तो जो एथलीट्स की फीलिंग्स और प्लस जो एक अनटोल्ड स्टोरी जो अभी तक देखी नहीं थी कि हॉकी, अभी इंडिया में सिर्फ क्रिकेट था, अब हॉकी को देखने के बाद और एक ऐसा इंसान जो फील्ड पर नहीं खेलता है उसके बाद भी जो इंसान पीछे छुपा हुआ था हमेशा वो टीम फ्रेम करता है इतनी मुश्किलों के साथ, टीम बनाकर वापस लेकर आता है, अगेन मुश्किल हो जाती है, पार्टीशन हो जाता है, टीम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वापस वो आता है खुद के पैसे लगाकर वाइफ की ज्वेलरीज को बेच कर टीम दोबारा फ्रेम करता है, पूरी मेहनत के साथ दोबारा आता है और गोल जिताता है। जबरदस्त। अमित शाह ने मुझे मतलब बहुत मजा आया, परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त, मतलब रिलैक्स हो कैसे देख रहे, क्या बात है, तो बहुत अच्छा। हाँ, वो बड़ी अच्छी चीज दिखाई है जो, क्योंकि हमारे क्या होता है ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, अभी भाई पाकिस्तान से जीतना है, फाइनल बेशक हार जाओ, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, भारत पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान भारत को, बहुत अच्छी चीज है, मतलब मन खुश हो जाता है, क्या बात है, मतलब ये चीज बहुत अच्छी है। स्टोरी बहुत अच्छी है और डायरेक्शन बहुत अच्छा है, तभी इतनी अच्छी मतलब फिल्म देख पाए हम लोग, और एक तरीके से अक्षय कुमार ने इंडिपेंडेंस डे पे गिफ्ट दे दिया हम लोगों को। ये मान सकते हैं अक्षय कुमार की सबसे बेस्ट मूवी है एवर 4-5 साल के अंदर या फिर ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, ये फिल्म बेस्ट है मेरे को, ये एयरलिफ्ट और टॉयलेट, ये तीन मैं रखूँगा, इसको ऊपर हाँ रख सकते हैं हम। मूवी का कौन सा बेस्ट एक्टर था जो आप अपने साथ लेके आ रहे हो, याद रहेगा आपको हमेशा? हाँ, तो वो जो होता है एक सीन होता है वहाँ पे एंडिंग में है, जो अमित साध का उनके साथ झगड़ा होता है, सरदार होते हैं, मेरे को नाम ध्यान में नहीं उनका, तो हाँ तो उनके साथ उनका झगड़ा होता है, लेकिन उनको बाहर कर देते हैं टीम से, तो वो रोते हैं, मैं कहता हूँ ठीक है मुझे खेलना नहीं टीम के साथ, तो वो जाते हैं बाहर, जा रहे हैं, उनकी आँखों में आंसू आते हैं और वो रोते हुए फिर वापस आते हैं कि नहीं टीम को मेरी ज़रूरत है, और उसके बाद वो टीम की तरफ से खेलते हैं और गोल करते हैं, तो वो फीलिंग आती है जैसे रियल में मैच देख रहे हो, तालियां बजाते हैं, चीख रहे हैं लोग, मतलब पागल हो रहे हैं एक तरीके से। 4.5। थैंक यू। मूवी वाज गुड, ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज रिफ्रेशिंग, देयर वर अ लॉट ऑफ एंटीसिपेशन रिगार्डिंग दिस मूवी बिकॉज ऑब्वियसली इट इज रिलीज्ड ऑन 15th ऑफ ऑगस्ट, सो ऑल इन ऑल आई वुड से इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटरटेनमेंट, पेट्रियोटिक फीलिंग एंड गुड सॉन्ग्स, and apart from that acting was great, particularly by Akshay Kumar. The director of the movie is Reema Kagati, who has also directed Talash in the past, so she knows her work well, and that is what you can see in the movie. Amit, Vineet, Akshay, Moni, so sabse best Akshay obviously, because I'm sure because he's a senior actor, so obviously wo aur zyada behtar kar pate hain. Ek cheez maine aur bhi notice kari hai Akshay कुमार के बारे में कि पिछले कुछ सालों में जो उन्होंने स्पेसिफिकली ऐसी मूवीज़ और ऐसे टॉपिक्स चूज़ किए हैं, जैसे क्या होता है ना, हर एक एक्टर को पता होता है कि वो किस चीज़ में अपना बेस्ट दे सकता है, आई थिंक ये सब कुछ ऐसे रोल्स हैं जिसमें कि अक्षय इज़ एबल टू गिव हिज बेस्ट, सो अक्षय वॉज द बेस्ट आउट ऑफ एवरी वन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इवन अमित साध, विनीत, आई मीन दे ऑल्सो डिड लाइक फेली वेल। 3/5। फिल्म काफ़ी अच्छी है, सभी का रोल अच्छा है, बंगाली बैकग्राउंड है, अच्छा रोल, अच्छा रोल कर पाए बंगाली का, हाँ अच्छा कर पाए। स्टोरी स्क्रिप्ट कैसी लगी आपको? स्टोरी अच्छी है, गाने अच्छे हैं। क्या कुछ याद रहा आपको फिल्म से जो आप साथ लेके जा रहे हैं? उस पर एक डायलॉग अच्छा लगा, कौन सा? कि अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी का बदला लेना है, अच्छा डायलॉग, गाने भी अच्छे हैं, टचेबल है। जो रिलेशनशिप दिखाया पाकिस्तान इंडिया का, ये सब क्या कुछ मायने रखता है? वो जो पहले जो 1947 का जो दिखाया ब्रिटिश टाइम का, वो इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करना चाहिए, अच्छा लगा। मान लीजिए अक्षय कुमार की बेस्ट मूवी है पिछले कुछ सालों में? हाँ, अभी ये नया मनोज कुमार हो गया है। सो कितने स्टार देना चाहिए आउट ऑफ 5? 4। थैंक यू सो मच। कैसी लगी फिल्म? पिक्चर बहुत सुपर्ब थी, बहुत मज़ा आया, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के ऊपर पेट्रियोटिक मूवी देखने का जो मज़ा है
वो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है। सो अमित भी है, विनीत भी है, अक्षय भी है, मौनी भी है, सो क्या कुछ दिखा आपको पर्दे पर? मतलब परफॉर्मेंस तो सबके पावरफुल थे, मतलब ऐसा नहीं किसी का एक सुपर परफॉर्मेंस था। अक्षय कुमार का तो था ही, क्योंकि अक्षय कुमार लीड में था, तो उसको सपोर्टिंग कास्ट का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, तो इसलिए मूवी में मतलब डल मोमेंट नहीं था, हर किसी का स्क्रीन प्रेजेंस था, तो पिक्चर एंड तक आप अच्छे से देख सकते हो, बोर नहीं हो गया। स्टोरी स्क्रिप्ट डायरेक्शन कैसा? अभी स्टोरी तो ट्रू इंसिडेंट पे थी, तो इसलिए अच्छी रहेगी, और उसने रीमा काकती ने डायरेक्शन बहुत अच्छा किया और स्टोरी को अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। ऐसा नहीं कि स्टोरी को मतलब खराब तरीके से दिखाया, लेकिन पिक्चर को अच्छे से बनाया है, तो डायरेक्शन बहुत अच्छा था और गाने की पिचिंग बहुत अच्छी थी, जिधर जिधर जो जो सीन में डालना चाहिए वो सीन में बराबर सॉन्ग्स आते हैं और इमोशनल मूवमेंट्स बहुत थे, तो ऐसा कोई एक सीन नहीं है, हर बहुत सारे इमोशनल सीन्स थे, तो मज़ा आया मूवी। अगर बात करिए अक्षय की, कुछ सालों में पिछले कुछ साल हिट तो रही है, तो ये मान लीजिए सबसे बेस्ट मूवी है ये? बेस्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं, टॉप फाइव बोल सकते हैं, अच्छे बहुत अच्छे पावरफुल परफॉर्मेंस दिए है। कितने स्टार देना चाहेंगे आउट ऑफ 5? 4.5 आउट ऑफ 5। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। सो कैसी लगी फिल्म? अमेजिंग, नो वर्ड्स, सिंपली अमेजिंग। इट वाज लाइक द माय डे इज वेल स्पेंट, परफेक्ट डे फॉर परफेक्ट मूवी, परफेक्ट मॉर्निंग, पेट्रियटिज्म आ गया, वंडरफुल। हाउ इज द अक्षय, विनीत एंड अमित, मौनी रॉय? ऑल वेरी गुड, ऑल द एक्टिंग इज वेरी गुड, स्पेशली अक्षय कुमार वाज वेरी गुड, talented movie. Mauni Roy was surprising element from the movie. She was like, it's her first movie, it's like she nailed it. All of the chemistry, the Bengali character, she went into that Bengali character with Akshay Kumar. It was like, I didn't make doubt that it was her first movie. She nailed it movie with Akshay Kumar. Akshay Kumar, as usual, was too good. He nailed the movie. He narrated the full movie and he was the one who take the movie ahead since the start till the end. Too good. Amazing. So, मैं सिर्फ उसका लास्ट डायलॉग याद रखूँगा, कोई भी सपने इम्पॉसिबल नहीं होते, बस। नेशनलिटी एंड यूनिटी, वी ऑल नीड टू लर्न यूनिटी, इफ वी आर यूनाइटेड बाय हार्ट्स वी कैन क्रैक एनीथिंग, नो मैटर व्हाट द प्रॉब्लम इज इन फ्रंट ऑफ अस। सो आई विल गिव 4.5। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।